दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्ट्रेस मंदाकिनी के बारे में। मंदाकिनी एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस जिसने पहले हिंदी फिल्म से ही बॉलीवुड में आग लगा दी, लेकिन धीरे धीरे जब असलियत सामने आई तो खुद ही फिल्मों से साइडलाइन होती चली गई। मंदाकिनी का जन्म हुआ था 30 जुलाई 1963 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में। मंदाकिनी एक फिल्मी नाम है, असली नाम यास्मीन जोसेफ है। यास्मीन जोसेफ उर्फ मंदाकिनी के पिता एक ब्रिटिश थे जो आजादी के बाद भारत में ही रुक गए। मंदाकिनी की माँ एक मुस्लिम थी। मंदाकिनी ने 12th क्लास तक की पढ़ाई की है। उसके बाद मंदाकिनी ने फिल्मों में ट्राई करना शुरू कर दिया। पहली फिल्म मिली बंगाली भाषा में। इसके बाद साल 1985 में फिल्म राम तेरी गंगा मैली के ऑडिशन चल रहे थे। मंदाकिनी ने भी ऑडिशन दिया और फिल्म मंदाकिनी को मिल गई। राम तेरी गंगा मैली उस साल की सबसे बड़ी हिट मूवी होने के साथ साथ सबसे ज्यादा विवादित मूवी भी बनी, क्योंकि मंदाकिनी ने इस फिल्म में काफी ज्यादा बोल्ड सीन्स दिए थे। सीन्स इतने ज्यादा बोल्ड थे कि शायद अगर वो सीन आज की डेट में शूट किए जाते तो उन पर आज के समय में भी विवाद होता। विवाद ना भी होता तो आज के समय में भी चर्चा जरूर होती। फिल्म में लीड रोल में थी मंदाकिनी और उसके साथ था राज कपूर का छोटा बेटा राजीव कपूर, जिसकी ये डेब्यू मूवी थी। फिल्म सुपरहिट साबित होती है और मंदाकिनी की गाड़ी फिल्मों में चल निकलती है। मंदाकिनी अति महत्वाकांक्षी लड़की थी। वो जल्दी से जल्दी सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहती थी और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। राम तेरी गंगा मैली फिल्म 1985 में आई थी। उस समय तक दाऊद भारत में ही था और पूरी तरह से इंडस्ट्री पर अपना कब्जा जमा चुका था। हफ्ता वसूली, ड्रग्स का व्यापार, सट्टेबाजी जैसे काम उसके मुख्य काम थे। अपनी काली कमाई को फिल्मों में लगाने लगा था और बॉलीवुड के हर छोटे बड़े कलाकार से उसका दोस्ताना था। आए दिन बॉलीवुड के लिए अपनी तरफ से पार्टीज करता था जिसमें हर बड़े से बड़ा कलाकार यहाँ पर हाजिरी लगाता था। जैसे ही राम तेरी गंगा मैली फिल्म हिट हुई तो चारों तरफ मंदाकिनी की चर्चा होने लगती है, उसकी खूबसूरती की चर्चा होने लगती है। इसके बाद दाऊद इब्राहिम बॉलीवुड स्टार्स के लिए फिर से एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। इस बार उसमें मंदाकिनी भी जाती है। मंदाकिनी और दाऊद की वहाँ पर मुलाकात होती है और धीरे धीरे ये मुलाकात प्यार में बदल जाती है। दाऊद को शौक था बॉलीवुड की हीरोइंस के साथ खेलने का। दाऊद हर तीसरे दिन एक नई एक्ट्रेस को पकड़ता, यूज करता और फेंक देता। जैसे ही दाऊद और मंदाकिनी का प्रेम परवान चढ़ता है वैसे ही दाऊद को भारत छोड़ना पड़ता है। साल 1986 में दाऊद पर एक मर्डर का आरोप लगता है और वो कुछ बड़े नेताओं की मदद से भारत से दुबई भाग जाता है। इसके बाद मंदाकिनी हर 2-3 महीने में दुबई जाने लगती है। कहा यह जाता था कि मंदाकिनी वहां पर मॉडलिंग से रिलेटेड कामों के लिए जाती है, लेकिन उसी दौरान मंदाकिनी और दाऊद का एक फोटोग्राफ मीडिया में वायरल हो जाता है, जिसमें मंदाकिनी दाऊद के साथ क्रिकेट स्टेडियम में मैच देख रही थी, जो कि दुबई का एक फोटो था। उस फोटो के बाद मंदाकिनी और दाऊद के अफेयर की खबरें आने लगती हैं। हालांकि मंदाकिनी ने कभी भी ये बात अपने मुंह से कभी नहीं स्वीकारी। मंदाकिनी की पहली फिल्म राम तेरी गंगा मैली को माना जाता है, जबकि उससे पहले मंदाकिनी की 2 हिंदी फिल्में पहले ही रिलीज हो चुकी थी, लेकिन उनमें मंदाकिनी का साइड रोल था और वो फिल्में सफल भी नहीं हुई थी, इसीलिए इनमें मंदाकिनी के काम को किसी ने भी नोटिस नहीं किया। यही कारण है कि मंदाकिनी की पहली फिल्म राम तेरी गंगा मैली को ही माना जाता है। राम तेरी गंगा मैली बहुत बड़ी हिट मूवी थी, लेकिन इसके बाद मंदाकिनी की कोई भी मूवी इतने बड़े लेवल पर सफल नहीं हुई। मंदाकिनी की कुछ एक फिल्मों को छोड़ दें तो उसकी ज्यादातर फिल्में लगातार फ्लॉप ही रहीं। इसके बावजूद मंदाकिनी के पास फिल्मों के ऑफर्स की कोई कमी नहीं थी। साल 1986 में मंदाकिनी ने 6 फिल्में की, साल 1987 में 7 फिल्में की, 1988 में 9 फिल्में की और 1989 में 7 फिल्मों में काम किया, जबकि साल में उसकी मुश्किल से इक्का दुक्का फिल्में छोटी बड़ी हिट होती थी। फिर भी उसके पास फिल्मों की लगातार भरमार थी। मंदाकिनी के पास लगातार फ्लॉप फिल्मों के बावजूद फिल्मों के ऑफर्स आने का सबसे बड़ा कारण था दाऊद इब्राहिम। मंदाकिनी हर 2-3 महीने में दुबई जाती, दाऊद से मिलती और इधर भारत में उसे फिल्में मिल जाती। लेकिन 1990 के बाद ऐसा कुछ होता है कि पूरा बॉलीवुड एकदम से चौंक जाता है। 1990 में मंदाकिनी की हालांकि 8 फिल्में रिलीज होती हैं, लेकिन उन सभी की शूटिंग 1990 से पहले ही पूरी की जा चुकी थी। दरअसल 1990 में मंदाकिनी ने अचानक से फिल्में साइन करनी बंद कर दी। हालांकि दाऊद की तरफ से उसे फिल्में दिलवाई जा रही थी, लेकिन मंदाकिनी अब कोई भी फिल्म साइन नहीं कर रही थी और इसका कारण था कि मंदाकिनी दाऊद से शादी करके दुबई में सेटल होने के सपने देख रही थी। इधर उसने दाऊद से शादी को कहा और तभी दाऊद ने उसके सर से अपना हाथ हटा लिया। दाऊद बॉलीवुड के एक्ट्रेसेस को सिर्फ मन बहलाने के लिए यूज करता था और आज भी करता है। दाऊद किसी एक्ट्रेस से प्यार नहीं करता था कि उनसे शादी कर ले, लेकिन मंदाकिनी को लगा कि दाऊद उससे सच में प्यार करता है और उससे शादी भी करेगा। इसी वहम ने मंदाकिनी के पूरे करियर को तबाह कर दिया। मंदाकिनी ने जैसे ही दाऊद से शादी को कहा तो दाऊद ने उसे साइडलाइन कर दिया और उसे फिल्में दिलानी बंद कर दी। इसके बाद मंदाकिनी 1991 में एक हिंदी फिल्म में दिखाई देती है और एक बंगाली में। 1991 के बाद 1992 में एक हिंदी फिल्म, उसके 4 साल बाद आखिरी बार साल 1996 में एक फिल्म में दिखाई दी। यानी साल 1990 तक जहां मंदाकिनी हर साल 8-8-9-9 फिल्में कर रही थी, वहीं दाऊद का हाथ मंदाकिनी के सर से जैसे ही हटता है
मंदाकिनी बॉलीवुड से एकदम से गायब सी हो जाती है, क्योंकि मंदाकिनी के एक्टिंग में इतना दम नहीं था कि वो अपने दम पर फिल्में ले पाती। उसे जितनी भी फिल्में मिलती थी वो सारी फिल्में दाऊद के इशारे पर मिलती थी। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जाता है कि दाऊद ने मंदाकिनी से शादी कर ली थी, और यही कारण था कि दाऊद मंदाकिनी के लिए इतना ज्यादा पजेसिव था कि मंदाकिनी को फिल्मों में कास्ट करने के लिए दाऊद बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स को खुलेआम धमकी देता था और मंदाकिनी को फिल्में दिलवाता था। दाऊद 1986 में ही भारत से भाग गया था दुबई के लिए और दुबई में रहने लगा था, और उसी से मिलने मंदाकिनी हर 2-3 महीने के बाद दुबई जाती थी। लेकिन साल 1990 में दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है, दोनों में तलाक हो जाता है। तलाक के बाद दाऊद ने मंदाकिनी को फिल्में दिलवानी बंद कर दी और इस तरह से वो फिल्मों से गायब हो गई। वैसे 1990 के दशक में दाऊद खुलेआम बॉलीवुड स्टार्स के लिए पार्टी रखता था और उनमें सभी कलाकारों को इनवाइट करता था। अब कलाकारों को फ्री में दारू पिलाने के लिए तो दाऊद इब्राहिम पार्टी ऑर्गेनाइज करेगा नहीं। दरअसल उन पार्टीज के थ्रू दाऊद बॉलीवुड में ड्रग के व्यापार को फैलाता था, हफ्ता वसूली करता था और नई नई हीरोइन से जान पहचान करता था जो बॉलीवुड में नई नई लॉन्च होती थी। उन्हीं पार्टीज में जो उसे पसंद आती थी वो उसके साथ जी भर के मस्ती करता था और मन भरने पर उन्हें साइडलाइन कर देता था। 1986 तक दाऊद भारत में रहकर ऐश कर रहा था। 1986 में जब दाऊद दुबई भाग गया तो फिर वहां पर पार्टी करने लगा। 1980 और 90 की शायद ही कोई ऐसी एक्ट्रेस हो जो खूबसूरत हो और दाऊद की नजरों से बची हो। दाऊद की पकड़ 1980 के बाद बॉलीवुड पर लगातार बनी हुई थी, जो आज भी बनी हुई है। वो अपने इशारे पर इस पूरे बॉलीवुड को तभी से नचाता हुआ आ रहा है। खैर, वापस आते हैं मंदाकिनी पर। मंदाकिनी और दाऊद का ब्रेकअप या तलाक हुआ 1990 के शुरुआती महीने में, और 1990 खत्म होते होते मंदाकिनी ने दूसरी शादी कर ली। मंदाकिनी की दूसरी शादी जिससे हुई थी वो एक पूर्व बौद्ध भिक्षु हैं, जो कि एक डॉक्टर भी हैं। आज मंदाकिनी मुंबई में रहती है। उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जाता है कि मंदाकिनी का एक बेटा साल 2000 में एक कार एक्सीडेंट में मारा गया था, लेकिन ये सिर्फ एक अफवाह थी। मंदाकिनी का बेटा और बेटी दोनों जीवित हैं और मंदाकिनी के साथ रहते हैं महाराष्ट्र में। मंदाकिनी आज लाइमलाइट से दूर है और एक सिंपल जिंदगी जी रही है, लेकिन उसने बॉलीवुड के अपने छोटे से करियर में जो गुल खिलाए थे वो आज भी सोशल मीडिया पर जिंदा है। वैसे तो मंदाकिनी का 1996 के बाद बॉलीवुड से शायद ही कोई रिश्ता रहा हो, लेकिन वो आज भी बॉलीवुड में अपने दोस्तों से मिलती रहती है। ये बात उसने खुद एक इंटरव्यू में कही थी, जो कि साल 2005 में हुआ था। 2005 में एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में जब मंदाकिनी से उसके पिछले जीवन के बारे में पूछा गया था तो उसने दाऊद के साथ अपने सभी रिश्तों को नकार दिया था। उल्टा उसने एक बयान दिया था कि उस दौर में जिस दौर में मंदाकिनी काम करती थी, यानी 1985 से 90 के आसपास, उस दौर में ऐसा कोई भी कलाकार बाकी नहीं था जो दाऊद की पार्टीज में नहीं जाता हो। मेल फीमेल हर कोई दाऊद की पार्टी में जाकर हाजिरी लगाता था। ये बयान था उसका। मंदाकिनी के बारे में जो काफी लोग जानते भी होंगे और काफी लोग अनजान भी होंगे, लेकिन दाऊद के साथ मंदाकिनी का नाम काफी लंबे समय तक जुड़ा था। ये एक सच्चाई है। मंदाकिनी और दाऊद के रिश्ते की सच्चाई पर आपका क्या कहना है? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने।